मेरठ मित्र चैनल एनटीवी लाइव वेब न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नवेद खान। चलिए दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, खास खबर आपको दिखाने जा रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट में। मेरठ, जेसीबी से प्लॉट की बुनियाद खोदने के दौरान दो मकान गिरे, जमकर हंगामा। मेरठ के थानाली साड़ी गेट के सैफ नगर में खाली प्लॉट की जेसीबी से बुनियाद खोदने के दौरान पड़ोसी के दो मकान भर भरा कर गिर गए। तस्वीरों आप देख पा रहे हैं किस तरह ये मकान गिरे हैं। तीसरे मकान में दरार पड़ गई है। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट के सैफ नगर में खाली प्लॉट की जेसीबी से बुनियाद खुदाई करने के दौरान पड़ोसियों के दो मकान भर भरा कर गिर गए हैं, वहीं तीसरे में दरार पड़ गई। मकान गिरने से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। असल में थानाली साड़ी गेट क्षेत्र के सैफ नगर में आसिफ निवासी हापुल चुंगी का 100 गज का प्लॉट है। बुधवार को प्लॉट में जेसीबी से बुनियाद की खुदाई करवा रहा था, इसी दौरान पड़ोसियों के मकान गिर गए। एक मकान से चार भाई फिरोज, फारूक, शालम, अहमद, हसन का मकान भरभराकर गिर गया। वहीं दूसरी तरफ मोमिना पत्नी इस्लामुद्दीन का भी मकान गिर गया। प्लॉट के पीछे सरफरोजुद्दीन के बीच में मकान के बीच में दरार आ गई। मकान गिरने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोगों ने हंगामा किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, पुलिस ने घटना की जानकारी ली। हंगामा कर रहे लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। वहीं पुलिस का कहना है कि मकान में काफी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। दो तारीख में बुनियाद खुदी गई है, उससे जेसीबी से आसिफ भाई खुदवा रहे अपने प्लॉट में। इन्होंने जो है बुनियाद से नीचे खोद गया, मेरी ये जो दीवार सरक गई, ये सारा लेंटर नीचे गिर गया। डूडा से बनवाया था मकान? जी जी जी, डूडा से बनवाया था। सर्टिफिकेट भी है मेरे पास इसका। जरा कब बनवाया था ये? हो गया 3 साल हो गए सर। 2138 है फाइल का नाम। और इन्होंने कहा था कि मैं बनवा दूँगा और अब ये कार्य अब आए करना है। जब सब 3 दिन हो गए, 3 दिन साहब।